अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। तमाम देखने वालों को मेरे सैफुर रहमान कादरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन व हाज़रीन, आज एक अरसे के बाद फिर हाज़िर खिदमत है, मुलाकात हो रही है। यकीनन मसरूफियात के बायस मुलाकात नहीं हो सकी, तो आज सबसे पहले तो ये बताता चलूँ कि हमने वायरलेस माइक जो है ट्राई करने के लिए लिए हैं और उसका वीलॉग जो है वो बना रहे हैं मुख्तसर सा। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इस वीलॉग में हमारे साथ खतीब पाकिस्तान आले नबी और आले अली, मैं उनका नाम ना लूँ आप ही भी पहचाने, आप उनको स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, पीरज़ादा पीर सैयद शाहिद हुसैन गर्देजी शाह साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। क्या हाल है पीर साहब? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। आप सुनाएं भाई साहब, क्या हाल है? अल्लाह रसूल का बड़ा एहसान। आज किबला पीर साहब हम फैसलाबाद जा रहे हैं जी। तो यकीनन ये माइक आज पहली दफ़ा हम ट्राई कर रहे हैं, तो ये सफ़र भी आपके सामने है, सर्दी का मौसम है, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बस जी, बाकी तो सारा मौसम ठीक है माशाल्लाह, इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ये धुंध जो पड़ जाती है ये ज़रा रात को इसका मसला होता है जी जी। अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस मुसीबत से जान छुड़ाए, क्योंकि ये बड़े एक्सीडेंट होते हैं रोड, और मैंने कल सियालकोट से आते हुए बड़े एक्सीडेंट देखे हैं। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। नाज़रीन व हाज़रीन, हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है हज़रत अल्लामा, बल्कि यूँ कह सकता हूँ अल्लामा इब्ने अल्लामा मौलाना जनाब हाफिज़ अतीकुर रहमान आबिद नक्शबंदी मुजद्दी साहब चौराही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। आज तो ड्राइविंग सीट पे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? पीर साहब आपके साथ बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम पीर साहब के ड्राइवर हैं जी। माशाल्लाह। क्या कहेंगे इस सफ़र के हवाले से? जी बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन खुशनसीबी है आप साथ हैं, डॉक्टर मोहम्मद इलियास साहब अलवेद साउंड हमारे भी साथ हैं, और हमारी खुसूसी मोहब्बत जो है हमारे साथ आले नबी और आले अली साहबजादा पीर सैयद शाह हुसैन साहब गर्देजी शाह साहिब, आपकी ज़ेर साया हम सफ़र कर रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को ऐसी ही मोहब्बत ऐसी ही अकीदत सारी ज़िंदगी रखने की। आमीन आमीन। और इनके साथ हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है अलवेद साउंड सिस्टम के मालिक हैं, मेरे सीनियर भी हैं, बड़ी प्यारी शख्सियत हैं जनाब हाफिज़ मोहम्मद इलियास नक्शबंदी मुजद्दी चौराही। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। आप साहब क्या हाल है जी? अल्लाह करीम का शुक्र। आज तो नहीं वैसे सानू लोड़ पैनी है, आवाज़ खोलो, मिड खोलो, ईगो कम करो, मत करो। कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। जी इंशाल्लाह। नाज़रीन यकीनन रमज़ान मुबारक की आमद आमद है, तो इंशाल्लाह जैसे बस में सैफ रमज़ान ट्रांसमिशन करते रहे, सवालों जवाबात की नशीस्त आपको भी शामिल करते रहे प्रोग्राम में, तो वो भी इंशाल्लाह जल्द ही उसकी तैयारियां हम जो है वो शुरू कर देंगे, और इंशाल्लाह जो प्रोग्राम जो इंटरव्यूज़ के हवाले से थोड़ा सा पेंडिंग है, प्रोग्राम के वजह से मसरूफियत थी, लेकिन प्रोग्राम जो वो रिकॉर्ड नहीं करवा सका, मोटिवेशनल गुफ्तगू जो है वो नहीं रिकॉर्ड करवा सका, तो यकीनन दोबारा शुरू कर रहे हैं। किबला पीर साहब भी तशरीफ़ फरमा है, मैंने आपकी तरफ से अपनी तरफ से रिक्वेस्ट कर दी है, तो इंशाल्लाह वो भी इंशाल्लाह जल्द अज़ जल्द हम लोग आपकी समातों के हवाले करेंगे। पीर साहब कोई अच्छा सा पैगाम दे दें और आज का व्लॉग जो है वो ख़त्म करते हैं, और इसी के साथ हमारे ये जो माइक है वायरलेस वो भी टेस्ट हो जाएंगे, क्या पैगाम देंगे आज? सबसे पहली बात यह है कि ये जो माह मुकद्दसा जो अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है, और जो आने वाला माह है सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु आपके हवाले से, और मैं तो ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जो आला हज़रत इमाम आले सुन्नत अशा इमाम मुहद्दिस अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के मनहज पर चल रहे, उन्हें चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल और नबी पाक सल्लम के असहाब से वालेना मोहब्बत करें, बहुत अच्छा, और इनकी मोहब्बत के अलावा कुछ भी नहीं है। बाकी
जितने हजरात भी मेरी बात को समाप्त कर रहे हैं, बस ये बात अर्ज करना चाहता हूँ कि अमल वाले बन जाएं, क्योंकि अमल से ज़िंदगी बनती है। जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। अमल करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह आसानियाँ पैदा फरमाएगा। अल्लाह ताला आपके चैनल को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। शुक्रिया।